you are again welcome on KP Edu Mathematics. Today we do area of circles and area of plane figures. First of all, आप देखिए सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल हाफ, ये बेस और गुणे हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। दूसरा है अगर ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के लिए ये भुजा ए, ये ए और ये ए, ये समबाहु त्रिभुज, इसकी ये ऊंचाई, इस ऊंचाई के लिए फार्मूला है, ऊंचाई h के लिए फार्मूला है रूट थ्री बाई टू ए, और इसलिए इसके क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर। अगर ये सम द्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये बेस है b और ये साइड्स इक्वल है, तो इसको कहते हो सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, जहां एबी बराबर एसी बराबर ए और आधार बीसी बराबर बी, तो उसकी ऊंचाई के लिए सूत्र है, ऊंचाई के लिए सूत्र है अंडर रूट फोर ए, फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू, और तब इसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र है एक बटा दो आधार गुणे ऊंचाई, सब में लगा रहे हैं वन बाई फोर, ये आधार और ये ऊंचाई गुण लिख चुके हो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके बाद r त्रिज्या वाले वृत्त के लिए, r त्रिज्या के वृत्त के लिए नंबर एक परिधि, ये वृत्त है, इसकी ये त्रिज्या है और जहां ये परिधि है, तो परिधि के लिए फार्मूला है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल के लिए फार्मूला, क्षेत्रफल के लिए है सूत्र पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, एक घूमते पहिए द्वारा, एक घूमते पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि जिसको आप 2 पाई आर से लिखते हो, के बराबर होती है, ये एक चीज। और वृत्त में दूसरी चीज ये है कि एक घूमते पहिए द्वारा एक मिनट में कितने चक्कर किए जाएंगे, पूरे किए गए चक्करों की संख्या, ये होती है एक मिनट में तय दूरी बटे परिधि,
पहिए की परिधि जिसको 2 पाई आर से लिखते हो। और तीसरी चीज है वलय, वलय जिसको कहते हो रिंग का क्षेत्रफल। रिंग माने ये है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, इसी केंद्र में ये वृत्त है, इसी को केंद्र मानकर ये दूसरा वृत्त खींच दें तो इन दो वृत्तों के बीच का जो ये एरिया है ये है रिंग, इसको कहते हैं दो संकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, रिंग या वलय का क्षेत्रफल। अगर ये बड़ी त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है R, कैपिटल R, छोटे वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल R, तो इसके लिए फार्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। और अब देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ये वृत्त है जिसका केंद्र है ओ, ये एक त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या, ये ओ ए त्रिज्या, ये ओ बी त्रिज्या और ये चाप, ये है चाप, सी लिख दे तो ये ए सी बी चाप हो गया। इसके बीच ये जो घिरा क्षेत्रफल है ये कहलाता है वृत्त का त्रिज्यखंड सेक्टर ऑफ ए सर्किल। और इसके लिए नंबर एक, यदि केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पूरा होता है 360 डिग्री पूरा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर 1 डिग्री यहां पर बने तो ये हो जाएगा 1 डिग्री बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, यदि केंद्र पर 1 डिग्री का कोण बना हो तो। यदि केंद्र पर बना कोण थीटा डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि केंद्र पर बना कोण 1 डिग्री तो क्षेत्रफल हुआ 1/360 × πr² और यदि केंद्र पर बना कोण हो थीटा तो थीटा डिग्री अपान 360 डिग्री × πr² और यही क्षेत्रफल होता है। अगर ये चाप की लंबाई दी है L तो ये क्षेत्रफल होता है हाफ L R, जहां L त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। और इस L के लिए जो सूत्र है, इस त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई के लिए जो सूत्र है वो है थीटा अपॉन 360 × 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वृत्त के चाप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा जिसका केंद्र पर बना कोण है 144 डिग्री, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन है, आपने अभी देखा वृत्त के चाप की लंबाई के लिए सूत्र है L बराबर थीटा अपान 360 डिग्री × 2πr और ये चाप की लंबाई दी है 20π सेंटीमीटर, तो थीटा अपान 360 डिग्री × और ये थीटा दिया है 144 डिग्री, तो L 20π = θ 144 / 360
इंटू टू पाई, और ये त्रिज्या आर निकालनी है आपको, तो ये पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू दिस 20 इंटू 360 अपान, ये नीचे आ जाएगा 144 इंटू टू, देखिए ये हुआ 12 से ये 12 टाइम्स, और 12 से 30 डिग्री हो गया। इसके बाद 2 से ये 10 टाइम्स और ये 1 हो गया, 3 से 4 टाइम्स और ये हो गया 3 10 जा 30 3 4 जा 12, 10 इंटू 10 दिस इज 100 अपान 4 दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया त्रिज्या आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसको अवश्य देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।